गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा पाठ है चावल की रोटियाँ। ये जो हमारी लेसन है बेटा, ये जो है एक नाटक के रूप में है। आपने नाटक देखा होगा, मंच में होता है, स्टेज में आपने देखा होगा। तो ये लेसन हमारा एक नाटक के तौर पर है, जिसमें कुछ बच्चे काम कर रहे हैं और क्या तो होता है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है पात्र परिचय। पात्र उनको कहते हैं जो नाटक में काम करते हैं, यानी अलग अलग रोल जो निभाते हैं अपना, उनको हम पात्र कहते हैं। परिचय माने इंट्रोडक्शन देना कि वो कौन कौन है। तो सबसे पहले इसमें बच्चा है कोको। वो 8 साल का एक वर्मी लड़का, कुछ मोटा सा, वर्मा का रहने वाला है। दूसरी है इसमें नीनी, 9 साल का वर्मी लड़का, कोको का दोस्त। इसमें तीसरा है तिनसु, 8 साल का वर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी, 7 साल की वर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातुन, जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का, नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो ये कोको, निनी, तिनसु, मिमी और उबातुन जो हैं, वो इस नाटक में काम करने वाले बच्चे हैं। अब नाटक शुरू होता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा भांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। सबसे पहले एक स्टेज का सीन दिखाया गया कि वहां पर क्या क्या है। एक कमरा है जिसमें दीवार है में बांस की चटाई लगी है, दीवार के सहारे अलमारी रखी है, उसके ऊपर एक रेडियो है, चाय की केतली है, कप है, गुलाबी फूलदान, ये सब सामान वहाँ। तो ये स्टेज का सीन आपको बताया गया। अब सबसे पहले उसमें जो स्टेज में बोल रहा है, जो पात्र आया, उसका नाम है कोको। कोको क्या करता है? सबसे पहले कोको आया उठ करके, जम्हाई माने सुबह उठ के आया हुआ है और अपने आप को सीधा कर रहा है, मतलब जैसे बिस्तर से उठ के आप लोग करते हैं। तो वो क्या कह रहा है? कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं, जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। कोको ये अपने आप सोच रहा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक दस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होंठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको, आहा, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक माने खटखटाता है। नीनी, कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नज़र मेरी रोटियों पर पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। तब तक जैसे ही उसने खाने की तैयारी करी, चावल की रोटियाँ उसकी मनपसंद थी, और जैसे ही वो खाने बैठा, तब तक उसका दोस्त नीनी आ गया और वो भुक्कड़ था। तो कोको अपने आप से कह रहा कि अरे ये तो भुक्कड़ है, सारा खा लेगा और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाएगा, तो मैं इन रोटियों को कहीं छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर करा लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आ जाता है। नीनी कह रहा है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको उत्तर दे रहा है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी कह रहा है, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। नीनी, वह ख़राब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है।
अकबर को ने रेडियो को छुपा दिया और वहाँ पे निनी आ गया, और वो भी रेडियो की बात कर रहा है। आगे क्या होता है, निनी रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, निनी तुम्हारे रेडियो में कुछ खराबी है, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। निनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं निनी इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। निनी रुक जाता है। निनी, मैं तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ, 300 के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तो निनी ने जैसे रेडियो के लिए कहा तो कोको ने बहाना बनाया कि रेडियो ख़राब है और तुम्हें करंट लग सकता है। तो निनी ने कहा, अरे अच्छा हुआ, अब मेरे को तो खबर सुननी है, तो ठीक है मैं 300 के घर जा रहा हूँ, क्या तुम भी आओगे? कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। निनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। जैसे निनी गया तो कोको कहने लगा, अब जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ और क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी है। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तस्तरी नीचे रख, जाने अब कौन आ टपका। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ें ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। अब मिमी भी एक दोस्त और आ गई और कह रही, इसको तो चावल की रोटियाँ बहुत पसंद है, अब इससे मैं अपनी रोटियों को कैसे बचाऊँ, वो उसके बारे में सोचने लगा। फिर मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छिपाऊँ कहाँ छिपाऊँ, कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक इसे फूलदान के अंदर छिपा दो। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। मिमी, कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं, इर्द गिर्द माने चारों तरफ। मुझे मिमी कह रही है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा चावल की रोटियां, हाँ थी तो मैंने सब खा ली। कोको बीच में ही बोल पड़ा, मिमी एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी कह रही, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी, मैं चार पापड़ लाई हूँ, दो तुम्हारे लिए दो अपने लिए, सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी, तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको, पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेरकर, स्वागत, स्वागत माने अपने आप से बोलना, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद दो मेरे लिए छोड़ जाए। आपको को अपने मन में कह रहा है कि पापड़ को देख उसको लालच आ रहा है, वो सोचता है कि मैं भी खाता इसको, फिर कह रहा कोई नहीं पूरे तो ये नहीं खा पाएगी, शायद मिलने बचा दे। तो मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? तो कहती है, भाई पापड़ खाने तो आपके पास चाय भी है? तो बेटा ये आधा लेसन हम आज कर रहे हैं, इसका आगे का आधा पार्ट हम नेक्स्ट भाग में करेंगे, इतना पढ़िए और समझिए।